नाम क्या है? राघव। राघव। पिताजी का नाम? हरीश चंद्र। हरीश चंद्र। मम्मी का? जनक दुलारी। जनक दुलारी। दुलारी। अभी कहाँ रहता है? पुणे। पुणे से सीधा यहीं आया है? पुणे सीधा है ना। अपना मकान है? किराए का। बहुत उस दुनिया भर के भक्तों का हाथ लगा के बैठा हुआ है। माँ तांत्रिकों का लगवाया था। तांत्रिकों का क्या? तुमने तो पूरा घर का जंजाल बना रखा, अपने शरीर का जंजाल बना रखा तुमने तो। देखो तो यहाँ शरीर में पूरा अकड़न अकड़न सी रहती है, चीजें तेरे साथ चल रही हैं उल्टी सीधी। वही मारन किया उनके ऊपर। ते तो पैसे भी खा रखे बच्चे। हाँ, उसकी वो भी। थोड़ा जोर की बोल बच्चा। हाँ माँ वो भी है। ते तो कोई काम नहीं चल रहा, सारे काम थप हो रहे हैं। मेरा बॉडी और माइंड दोनों ही ब्लॉक है, मैं तो मतलब हिल भी नहीं पा रहा हूँ, कैसे नहीं पहुंचा मुझे पता है। बाबू चीजें भी दिखाई देती तेरे को तो? मैं दिखाई नहीं देती लेकिन आभास होता है। आभास मतलब यही होता है कि मतलब साथ में ऐसा लगता है कि कोई खड़ा हुआ है, कभी कुछ कहीं से चल रहा होता है तो साथ चल रहा हो, ऐसी चीजें होती है तेरे साथ में? नहीं, मैं कई बार कुछ सवाल पूछता हूँ ना तो कुछ कुछ सुनाई से देते, किसी ने जवाब दिया था। किसी ने जवाब दिया। घर में आवाजें भी लगती तेरे को सोते हो? नहीं मां, नींद नहीं आती मुझे। जैसी आंख लगती बच्चा ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज मारी बाहर से। ध्यान नहीं दिया मैंने इतना। जैसा तो बाबू तीन चार चीजें चल रही हैं। हाँ माँ वो है बात, लेकिन क्या हो रहा है कि 2009 मतलब मुझ पर कैसा हो रहा है, मेरे कुछ जो चाची बच्चों की दुश्मन वगैरह हैं वो कुछ करते मैं हटवाता हूँ, कुछ करते मैं हटवाता हूँ। अब ये जो चीज़ें ना कोई हटा नहीं पा रहा है, ये जो बहुत तकलीफ है, ये जो संकट भी है। संकट बता रही हूँ मैं। सांस कभी कभार स्मेल भी आती है आसपास। हाँ बहुत गंदी स्मेल आती है। वो तुझे ही आती, तेरे आसपास वालों को नहीं आती? हाँ मतलब घर में बैठे बैठे। बाबू किसी शिवलिंग दिखा रही, किसी भोले के भगत पे गया था या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाया था या कुछ बोल कबूल कर रखी है? मैं बोल तो नहीं है कि लेकिन हर सोमवार जाता हूँ मैं। जाते हैं शिवलिंग जल चढ़ाने के लिए? हाँ, लेकिन अभी तबीयत खराब है तो कभी जा पाता हूँ कभी नहीं जा पाता हूँ। बाबू तेरा मन ही बहुत भटका रही है। मन पहले ये भटका रही है कि तू सबसे पहले इस भगत के चला जाऊँ, मैं उस भगत के चला जाऊँ, कहीं से मेरा उद्धारण हो जाए, बहुत चीजें। ऑनेस्टली बोलूं तो क्या है कि मुझे कहीं से ऐसा आभास हुआ, मतलब अभी तक क्या होता था कोई ना कोई तांत्रिक मेरा काम ठीक कर देता था। मुझे कहीं से आभास हुआ कि मुझ में ना पिछले दिनों का कोई श्राप है कि कोई फीमेल तांत्रिक या भगत नहीं है, मतलब औरतों का श्राप है शायद, कोई भगत नहीं मेरा काम ठीक कर सकती है, मुझे ऐसा आभास सा हुआ। अभी महाराष्ट्र के एरिया में तो कोई चौकी लगाता नहीं है। बाबू तुझे कुछ रात नींद नहीं आती तो आँख बंद करता, मतलब घबराहट होती है, फिर लेट भी नहीं पाता, फिर खड़ा हो जाता बैठ के। माँ मुझे सुबह 7-7 बजे तक नींद नहीं। 7-7 बाबू तेरे साथ तो शक्तियाँ भी चल रही हैं और नेगेटिव भी चल रही है, माँ बता रही है। तूने पूजा पाठ भी बहुत कर रखी है पहले, अब नहीं दिखा रही है। माँ एक्चुअली 2010 से मतलब बस बचपन से उम्र में शिवाय जाप करता था और 10 साल तक हरे कृष्णा मंत्र बहुत जाप किया। फिलहाल तो जैसा मैं महादेव खड़े हुए हैं, महादेव की जो चीज़ें दिखाई दे रही है, महादेव को बहुत मानता था पहले, एक बार 7 साल तक की पूछा थी। अब तो माँ कह रही है कि पूजा करने भी चलता है तो शरीर काम नहीं करता, उबासियाँ आती है, शरीर टूटा टूटा सा लगता है, ठीक है, हाथ पैरों में दर्द होता है और ऐसा मन करता है लेट जाओ पूजा करने के टाइम पे। अब कर ही नहीं पाता कुछ, मंदिर भी जाने की सोचता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती, कोई ना कोई रुकावट आती, जा ही नहीं पाता मंदिर। सच है? सच्ची बात है, सच्ची बात है ना। तो एक काम करते, इसका काम करवा दो शमशान वाला।